हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मा रक्स यूट्यूब चैनल फार्मस के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेपोरोग ने टैबलेट्स के बारे में तो हम उसकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में सबसे पहले फिर डिटेल में उसके मेकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे किस तरह से मेडिकेशन अपना काम करती है फिर जानना जरूरी है उसके डोजेस के बारे में कि कितने डोज में ये मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए क्या उसका सेफ़ डोज़ हम कह सकते कि जितना डोज हम देने से जो है वो प्रॉपर हम सेफ़ डोज कह सकते हैं उसका इंडिकेशन एंड वार्निंग्स के बारे में भी स्टडी करेंगे कि कौन से कंडीशन में उसको यूज़ ना करें उसके जो प्रिकॉशंस वगैरह होते हैं एंड साथ ही सीखेंगे उसके जो अलग अलग एडवर्स ड्रग रिएक्शनस एंड साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर थैंक यू फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मर ऑग्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मर ऑक्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल आईफोन एप ऑन ऐप स्टोर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो सबसे पहले समझिए कि वॉट इज़ नेप्रोक्सिन टैबलेट तो नेप्रोक्सिन जो है वो उसके अंदर रहा मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जिसको हम कह सकते हैं मेन एपीआई तो जो एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नेप्रोक्सिन की जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जो हम अलग अलग नसेड्स के बारे में स्टडी करते उसमें से नैप्रोक्सिन भी एक नॉन स्टेरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कैटेगरी की मेडिसिन है और उसके पास जो प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है एंड एनालजिसिक प्रॉपर्टी है एंड यूज़ टू ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस आर्थराइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलइटिस मतलब कि ऐसे मेडिकल कंडीशंस की जिसके अंदर यूजर्ली एसोसिएट है इन्फ्लामेशन जिसके कारण ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होने के कारण ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है और साथों साथ उसके पास है ये एनालजेसिक प्रॉपर्टीज़ तो इसी के कारण ये जो नेपरोक्सिन के जो टैबलेट के जो एस पर आई इंडियन फार्मा फार्माक्यूपिया के अकॉर्डिंग टू उसकी जो स्ट्रेंथ होती है टू फिफ्टी की स्ट्रेंथ के ये टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड मोड ऑफ एक्शन हम देखें नेप्रोक्सिन का तो वो इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंड सिंथेसिस को और इस तरह से वो अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है बाय इन्हीबिट द केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन तो डिटेल इस तरह से है कि नेप्रोक्सिन क्या करता है ब्लॉक करता है एंजाइम साइक्लो ये जो कॉक्स एंजाइम्स जो हम कहते हैं ये कॉक्स एंजाइम्स को ये कर देता है इनहेबिट अब यहाँ पे समझिए मेन प्रोसेस कि जो अराचिडोनिक एसिड होता है वो कॉक्स एंजाइम्स को यूटिलाइज करके आगे फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंड को तो प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कॉक्स एंजाइम का वहाँ पे इन्वॉल्व होना तो ये मेडिकेशन क्या करती है नेप्रोक्सिन वगैरह के ये जो नेप्रोक्सिन के टैबलेट समझो कि आप लेते हैं तो ये क्या करेगी आगे ये जो पाथवे है उसको ब्लॉक करवा देगी या फिर ये जो कॉक्स एंजाइम है उसको समझो कि वो कर देती है ब्लॉक तो अगर कॉक्स एंजाइम नहीं है तो आगे की ये जो प्रोसेस नहीं होगी जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा सेम लाइक दैट कॉक्स वन को भी इनहिबिट करने से दोनों साइड से जो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होता है वो स्टॉप हो जाए जिसके कारण जो प्रोस्टाग्लैंडिन के जो इफेक्ट होते हैं वो भी कम्प्लीटली हो जाते हैं बंद बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन हम जानते हैं कि ऐसा केमिकल है कि जो रिस्पॉन्सिबल बनता है अलग अलग पेन के लिए पेन के जो मेडिएटर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है ही साथ इन्फ्लामेशन एंड फीवर वगैरह के लिए भी वो इन्वॉल्व होता है तो इसी के कारण देखिए जो मेडिएटर ऑफ पेन एंड इन्फ्लामेशन एंड फ़ीवर के मेडिएटर ही जब रिड्यूस हो जाते हैं तो वो कंडीशन की हो जाती है ट्रीटमेंट एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जब तभी फॉर्म होता है कि जब हमें किसी भी टाइप की इंजरी होती है कोई जगह पर कोई जगह पर डैमेज होता है और उसके कारण फिर जो हमें पेन के सेंसेशन होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके पीछे का जो मेन रीज़न होता है वो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन तो प्रोस्टाग्लैंडिन ही ब्लॉक कर देगी ये नेप्रोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रोकने के लिए ज़रूरी है इनहिबिट करना या फिर ब्लॉक करना ये कॉक्स सेंट जेम्स को तो ये है उसका सिंपल मेकेनिज्म फॉर एक्शन जिससे ये मेडिसिन अपना काम करती है उसके डोज़ जानना जरूरी है कि टिपिकली उसके जो डोजेस होते हैं फाइव थाउजेंड से लेकर वन थाउजेंड मिलीग्राम के बीच में रहते कि कुछ टैबलेट्स आपको ऐसे भी मिलेंगी कि जिसकी स्ट्रेंथ रहेगी फाइव हंड्रेड एम की ये वाला जो आप टेबलेट देखिए कि जिसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखी है कि वो है फाइव हंड्रेड एम स्ट्रेंथ का सेम नेपरोगीन ही टू फिफ्टी स्ट्रेंथ में भी अवेलेबल है तो ये जो उसका पैकिंग है वो 500 हंड्रेड वाला है और ये वाला आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर 250 फिफ्टी कंटेंट वाली मेडिसिन अवेलेबल है तो समझो कि 250 फिफ्टी पेशेंट लेता है तो बी मतलब कि बिना दो बार लेगा पेशेंट टू टाइम्स अ डे सेम लाइक दैट 500 हंड्रेड में भी टू टाइम्स अ डे ये खास याद रखिए टू टाइम्स अ डे कि ये उसका ये रहेगा यूजुअल डोजेज और शुरू करते हैं ऑलवेज लोअर डोज से एंड मैक्सिमम उसका डोज हो सकता है 1500 सौ पर डे के मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज 1500 सौ पर डे होता है एंड स्टार्ट विद द लो डोज़ लो डोज मतलब कि ये वाला कि जो 250 फिफ्टी वाली जो टैबलेट है वो पर्सन दो बार लेता है कि टू फिफ्टी एक मॉर्निंग में लेता है या फिर एक इवनिंग या फिर नाइट के अंदर लेता है तो किसी भी तरह से टू टाइम्स अ डे लेता है और अगर समझो कि ये लो डोज से भी उस उसको फ़र्क पड़ जाता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर जैसे कि इन्फ्लामेशन पेन रिलेटेड फ़ीवर रिलेटेड कंडीशंस के अंदर तो हायर डोजेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये डोज़ ख़ास बिकॉज़ हायर डोज से फिर अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होती है तो इसके इंडिकेशंस एंड बेसिक यूज समझे तो हेड के लिए भी यूज़ होता है माइग्रेन टाइप के हेड में भी उसको यूज़ किया जाता है मसल पेंस के अंदर यूज़ होता है टेंडनाइटिस के अंदर कि जो अलग अलग टेंडेंस के जो पेन होता है इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे डेंटल पेन के अंदर मैंस्टोरियल क्रैम्प एंड ऑल्सो रिड्यूज द पेन स्वेलिंग एंड जॉइंट स्टिफनेस कोज बाय आर्थराइटिस बर्सीटाइ बर्सीटाइस एंड गाउट अटैक मतलब कि मेनली ऐसे तीन कंडीशन कि जहाँ पे इन्वॉल्व है पेन सेकंड इन्फ्लेमेशन और ये दोनों कंडीशन जब होती है तो उसके कारण होने वाले ये फीवर तो ये तीनों को ट्रीट करने के लिए नापरोक्सिन जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये थे उसके बेसिक यूज अबाउट दिस मेडिकेशन अब जानने जरूरी है उसके साइड इफ़ेक्ट कि नेप्रोक्सिन के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट है कि जिनको जानना काफ़ी ज़रूरी है तो सबसे पहले तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो राइज़ करवाता है मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है एज अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस नेप्रोक्सिन कि अगर कोई इसको हाई डोज़ में लेता है एक्सेसिव यूज़ करता है मिस यूज़ करता है तो उससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है बेल्चिंग जैसा हो सकता है ब्रूसिंग जैसी हो सकती है कंडीशन डिफ़िकल्टी हो सकती है ब्रीथिंग के अंदर इनडाइजेशन जैसा फील होगा हेडेक हो सकता है एंड स्किन ऊपर इचिनेस जैसा भी हो सकता है मतलब कि जब किसी को एलर्जिक रिएक्शंस जो प्रोड्यूस होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर स्किन ऊपर जो खुजली जैसा होता है इचिंग होती है वो कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है उसके कारण फिर दूसरे ऐसे साइड इफ़ेक्ट जिसके अंदर लार्ज फ्लैट ब्लू और पर्पल स्पैच इन द स्किन कि यहाँ पे इस तरह से ये जो रेसिस डेवलप होते सेम लाइक दैट वहाँ पे पैचिस जैसा भी डेवलप हो सकता है स्किन के ऊपर उसके अलावा पेन इन द चेस्ट बिलो द ब्रेस्ट बॉन कि चेस्ट के आसपास आपको जो है वो पेन हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट के कारण स्किन एरेपसन्स हो सकते हैं स्टमक पेन हो सकता है स्वेलिंग हो सकती है टाइटने इन टाइटनेस इन द चेस्ट कि आपके चेस्ट के अंदर ऐसा लगेगा कि काफ़ी टाइट जैसा हो गया है ऐसा फील हो कर सकता है पेशेंट लॉस ऑफ हैबिटाइट मतलब कि भूख कम हो जाना नोजिया वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडेशन हम जाने कि कौन से कंडीशन में उसको यूज़ ना करें तो ऐसे पेशेंट कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई है बिकॉज ये मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट हमने देखे कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा सकता है तो ऑलरेडी ऐसे पेशेंट कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई है हाइपर के पेशेंट हैं उनको यूज़ ना करें सेकंड है कि किसी को हाइपर सेंसिटिव है नसेड्स की तो उनको भी ये मेडिकेशन ना दें पैप्टी अल्सर रिलेटेड प्रॉब्लम है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर है डिओडिनल अल्सर है इसोफेगियल अल्सर है अल्सर है रीनल फेलियर के केसेस से प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ नहीं करना है पैप्टिकल सर रिनल फेलियर प्रेगनेंसी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको यूज़ ना करे कार्डियक फेलियर है एंड चिल्ड्रन बिलो द ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज कि छोटे बच्चों की जिनकी एज 12 साल से या उससे कम है उनके लिए भी निप्रोक्सिन जो है वो कॉन्ट्राइंडेसन के लिस्ट में बिकॉज जो है वो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है प्रेगनेंसी के अंदर बच्चों के अंदर जो ग्रोथ जो पीरियड होता है आफ्टर द बर्थ वहाँ पे वो डिस्टर्ब करवा सकते हैं अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट को वो देने से जो समझो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी वो कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है रिगार्डिंग द हार्ट अटैक वगैरह तो ऐसे अलग अलग मेडिकल कंडीशन की जिसके अंदर अल्सर है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है रीनल डैमेज है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए सेम लाइक दैट प्रेगनेंसी में भी उसको यूज़ ना करे तो काफ़ी बेहतर होगा तो ये सब है उसके इंडिकेशन दैट मीन्स की डू नॉट यूज़ अब जानते हैं उसके कुछ इंटरेक्शंस ड्रग इंटरेक्शन इसलिए कि समझो कि कोई नेप्रोक्सिन ले रहा है और साथ में ये मेडिकेशंस के ले रहे तो उनके कारण जो है वो एक्शन जो है वो इनहिबिट हो सकती है नेप्रोक्सिन वगैरह की और साइड इफ़ेक्ट्स इंक्रीज़ हो सकते हैं ऐसे ही इनहिबिटर्स के साथ उसको यूज़ ना करें फिर एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर जैसे कि लोसार्टन साल वालसाटन के साथ सीडोफोविर कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिथियम एंड वाटर पेस्ट जैसे कि फ्यूरोसेमाइड वग़ैरह के साथ उसको यूज़ नहीं करनी है बिकॉज उससे जो है वो हार्मफुल इंटरेक्शंस होती है और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकती है ड्यू टू द ड्रग इंटरेक्शंस बिटवीन दिस डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिकेशन तो ये खास आपको याद रखना है कि ये इन्हीं में से कोई भी मेडिकेशन के साथ नेपरोक्सिन वगैरह को यूज ना करें तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर ऑन द नेपरोक्सिन फार्मारोक्स के जो लेक्चर नोट्स होते हैं पीडीएफ्स होते हैं वो फार्मारोक्स के ऐप पर आपको मिल जाएंगे